और अब ये बात एकदम सुनने को मिल रही है, ऋषभ को भेज दियो जरूर तू आज है। यस सर, फिर सुनूंगा। देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यही पूरा सॉल्यूशन चैप्टर है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? ऐसी प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करें उसके नेचर पर डिपेंड ना करें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करें उसके नेचर पर डिपेंड ना करें, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। दोस प्रॉपर्टीज इज डिपेंड ओनली अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नॉट अपॉन इट्स नेचर। जैसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ ली है, दैट वॉज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर। अभी पढ़ा ना पीछे क्या फॉर्मूला था? कोई क्वेश्चन आता है कि वाई आर एल वी पी इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज टू क्या आएगा? एक्स सॉल्यूट, ये था। तो ये है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये एक्स सॉल्यूट यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड कर रहा है, इसीलिए ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तुम्हें फॉर्मूला लिख के आना है सिंपली, क्योंकि ये नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड कर रहा है सॉल्यूट के, इसीलिए ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। दूसरा, दूसरी प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। और ध्यान रखना ये लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ये होता है लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये वाली टर्म सिर्फ, ये वाली, इट इज नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करता है, इसलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब उसके बाद आ गया ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको मैं पढ़ा। अरे एक चीज और ध्यान रख सकते हो, ध्यान रखना कि ना इन सब फॉर्मूलाज में जहां पे भी सॉल्यूट के मोल्स आएंगे वहां आई लगा दो, आई या वेंट फैक्टर, यानी आयनिक कंपाउंड होगा तब ये लगता है आई। जैसे NaCl के लिए आई की वैल्यू 2, CaCl2 के लिए आई की वैल्यू 3, अगर ये दोनों 100% डिसोसिएट हो रहे हैं, कुछ मेंशन नहीं किया तो मानते हैं 100% डिसोसिएशन, तो ये आई की वैल्यू, जैसे AlCl3 है पूरा डिसोसिएट हो रहा है तो आई की वैल्यू कितनी होगी? 4। अब ऑस्मोटिक प्रेशर, वैसे तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे P = CRT, कोई PV तो RT है, C यहाँ मोलरिटी है, C यहाँ पे मोलरिटी है। अब C के पहले अगर आयनिक कंपाउंड है तो आई लगा, तो P भी डिपेंड कर रहा है C पे यानी मोलरिटी पे, मोलरिटी डिपेंड करती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे, इसलिए ये भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो भी हमें पढ़ना टॉपिक, इसलिए ये भी क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ध्यान सुनेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जिसको बोलते हैं डेल्टा टी। अगर मैं पानी के अंदर नमक डाल दूं तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा, बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना। हाँ, पहले पानी का बॉइलिंग पॉइंट सपोज 100 था, पहले 100 था तो अब हो गया 102, पानी का बॉइलिंग पॉइंट पहले 100 था अब हो गया 102, तो डेल्टा टी नमक डालने पर, तो अब डेल्टा टी भी कितना हुआ? 2 डिग्री सेल्सियस। हाँ, 2 डिग्री सेल्सियस कहेंगे कि 2 डिग्री केल्विन कहेंगे? 2 डिग्री केल्विन, दोनों कह सकते हैं, डिफरेंस बिल्कुल सही, दोनों कह सकते हैं ना, डिफरेंस इज ऑलवेज सेम वेदर इन केल्विन और इन डिग्री सेल्सियस। ये आएगा KB×m, डेल्टा टी ध्यान रखना क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू KB×m। KB यहां पे क्या है? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। KB क्या है? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, और m तो पता ही है तुम्हें, मोलैलिटी। KB एक कांस्टेंट है, सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। फोर्थ है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ ये क्या है? KF×m। KF क्या है? वही डिप्रेशन कांस्टेंट है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। बाद में मैं बताऊंगा इसका नाम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी है, और इस KB का नाम एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी है, और यहाँ लग जाएगा आई। अगर सॉल्यूट यहाँ पे मोलैलिटी आ गया ना, मोलैलिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आएगा, इसलिए आई लगा दूंगा। आई क्या है? मैंने एक हिंट दे दिया, इसमें भी चाहो तो तुम आई लगा सकते हो। जितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है सबके आगे आई लगता है, ये लास्ट सेक्शन में तुम्हें सुनने को मिलेगा। अदरवाइज फॉर्मूला अभी तुम्हें क्या करना है? P=CR2। ये चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज समझ आ गए कि नहीं? सर लास्ट का एक बार समझा दोगे फिर से? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ, जैसे मान ले मैं कहूँ पानी है वो कितने डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज करेगा? 0। 0 पे। अब पानी में मैं नमक डाल दूँ, या मेरे को आइस आइस था तो 0 डिग्री सेल्सियस में, और आइसक्रीम है मान ले तो वो कब फ्रीज करेगी? वो थोड़ा और ठंडा करेगी। यस सर। हाँ, तो नेगेटिव हो गया कि नहीं? तो इसलिए डिप्रेशन बोला, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। समझा कि नहीं है सर? एलिवेशन होता है क्या फ्रीजिंग पॉइंट पे?
नहीं मतलब जल्दी ठंडा हो, जल्दी जम गया, ऐसा नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, टी सॉल्वेंट माइनस टी सॉल्यूशन उल्टा होगा इसमें। जैसे टी सॉल्वेंट हमारा अगर पानी के लिए जीरो था और ये हो गया मान लो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट टू, तो आ जाएगा जीरो माइनस माइनस टू। नहीं समझ आई बात? यस सर समझ गए। तो ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, टी इसमें उल्टा है, सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन। ऊपर क्या था? सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट। क्या किसी बच्चे ने लेक्चर्स में नहीं पढ़ा ये? पढ़ा हुआ ना, ये सबको आना चाहिए पहले से। देखो लेक्चर पढ़ के रखोगे ना तो बहुत मजा आएगा फिर पढ़ने, और हम जल्दी कर लेंगे, न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे सब बच्चों से। मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि सब बच्चे करके रखेंगे तो ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में, नहीं तो कहोगे फास्ट हो रहा था, इसलिए लेक्चर्स पहले भेज रहा हूँ ताकि पढ़ के रखो। चलो ये चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी समझ आ गई, ये चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी समझ आ गई कि नहीं? यस सर। हाँ अब अगर मैं बोलता हूँ, ध्यान सुनेंगे क्वेश्चन, इज बॉइलिंग पॉइंट ए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी और नॉट, तो क्या आंसर कहेंगे? तो अगर मैं पानी पानी का तुम जैसे मान लो पानी मैंने ले लिया एक लीटर, तब बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? और एक बार ले लिया 1000 लीटर, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस दोनों केस में सेम होगा ना? यस सर। पढ़ा चुका हूँ, क्या चीज पढ़ाया मैंने तुम्हें? ग्रीक वर्ड है मींस टू पुश, सबने पढ़ा भी होगा पहले भी, ऐसा नहीं है कि नया टर्म है ये सबने एक बार तो सुना होगा। ऑस्मोसिस, जैसे डिफ्यूजन तुमने पढ़ा कि ये स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स का, रैंडम मिक्सिंग होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स का। प्रॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन थी, प्रॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन थी, ये सबको पता है, ये ब्लू कलर की सॉल्यूशन होती है। जैसे ही मैं इसके अंदर पानी डालूंगा, तो कलर क्या हो जाएगा? फेड हो जाएगा, कलर फेड हो जाएगा, क्योंकि रैंडम मिक्सिंग हो रही है सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स। क्या हो रहा है? रैंडम मिक्सिंग हो रही है सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स। और डिफ्यूजन जो है गैसेज में भी होता है और सॉल्यूशन में भी होता है, गैसेस में भी होता है और सॉल्यूशन में भी होता है, लेकिन ऑस्मोसिस जो है वो सिर्फ सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन सिर्फ सॉल्यूशन में होता है। ये चीज है, देखो सबको पता होगा, सब मैंने बहुत प्रॉपर तरीके से समझा रखा वीडियोस में। ये है दो सॉल्यूशन है, एक यहाँ पे है 0.1 मोलर, एक है 0.1 मोलर, और दूसरी सॉल्यूशन है सपोज 0.01 मोलर, 300 केल्विन पे ये पूरा सिस्टम। और ये लगा रखी है मैंने SPM, ये SPM सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी सेमी परमिएबल नाम से लग रहा है, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में से किसी एक को अलाउ करेगा। जैसे सॉल्वेंट के पार्टिकल छोटे होते हैं तो वही इसके तहत बाहर निकल पाएंगे, सॉल्यूट के पार्टिकल नहीं निकल पाएंगे। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन व्हिच अलाउज ओनली द सॉल्वेंट पार्टिकल्स टू पास थ्रू इट एंड नॉट द सॉल्यूट पार्टिकल्स, सही ना? तो अब ध्यान देंगे, अगर मैं तुमसे बोलता हूँ रिएक्शन, एक बार तुम्हें बता रहा हूँ, FeCl3 प्लस KSCN या NH4SCN या NaSCN, ये दोनों जब मिलते हैं, FeCl3 वैसे येलो कलर का होता है, FeCl3 येलो कलर का, तो जैसे ही ये मिलते हैं तो ब्लड रेड कलरेशन आती है इस सब्सटेंस के बनने की वजह से। यस सर। FeCN होल साइज के बनने की वजह से आती है ब्लड रेड कलरेशन। तो मान लो मैंने यहाँ पे 0.1 मोलर FeCl3 लिया है और 0.01 मोलर KSCN लिया है, तो SPM सिर्फ अलाउ करेगा सॉल्वेंट के पार्टिकल को, अलाउ करेगा इसके थ्रू मूव करें, वो भी कौन से पार्टिकल्स?
जहां पे कंसंट्रेशन कम है वहां का सॉल्वेंट, लोअर टू हायर वहां का। हाँ मान लो ये ए है ये बी साइड है, तो बताओ अब सॉल्वेंट के पार्टिकल्स कहां से कहां फ्लो करेंगे? बी टू ए से ए की ए से बी, बी टू ए, बी टू ए। इसमें किसी को डाउट? नो सर। 0.01 मोलर मीन यहाँ पे पानी ज्यादा है, सोल्यूट बहुत कम है, तो यहाँ से सॉल्वेंट यहाँ मुकरे, यहाँ से सॉल्वेंट यहाँ मुकरे, यहाँ से सॉल्वेंट यहाँ मुकरे, इधर से भी मूवमेंट होगा लेकिन बहुत ही स्लाइट, इधर से बहुत कम मूवमेंट होगा दूसरी साइड से। ए से बी हो गया मूवमेंट, अब सॉरी बी से यहाँ पे हुआ मूवमेंट, बी से ए हो गया मूवमेंट, क्या हो गया बी से ए। इसमें किसी को डाउट? नो सर। तो इसमें मूवमेंट लोअर से हायर कंसंट्रेशन होगा कि हायर से लोअर? लोअर से हाई कंसंट्रेशन, लोअर से हायर। और डिफ्यूजन में क्या होता है? हायर से लोअर, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। किसी को कुछ भी पूछना है इसमें, जिसने पढ़ा होगा उसको आसानी से समझ आ गया होगा। तो जो ऑस्मोसिस है ये क्या है? स्पॉन्टेनियस ऑस्मोसिस क्या होगा? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लेसर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इन प्रेजेंस ऑफ एसपीएम। अगर तुमने थ्रू एसपीएम नहीं लिखा तो कोई मीनिंग नहीं है डेफिनेशन का, जीरो मार्क्स मिलेंगे। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लेसर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू एसपीएम, थ्रू एसपीएम। यस सर। कोई डाउट? नो सर। तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है, इसके अंदर ये चीज ध्यान रखनी है, इसके अंदर ये ऑस्मोसिस, दिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसमें प्रेशर क्या, कितना ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा यहाँ पे ना, अब जैसे मैंने प्रेशर गॉज लगा दिया, ये ऊपर एक क्या लगा दिया? प्रेशर गॉज मेजर करने के लिए, कहीं भी एक प्रेशर गॉज लगा देंगे ताकि प्रेशर क्या हो सके, मेजर हो सके। तो वो ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रेशर गॉज मेजर करेगा। और ये आगे तुम पढ़ोगे सर, C1 माइनस C2 RT, हाँ, बर्किले एंड हार्टेज मेथड। फॉर मेजरिंग ऑस्मोटिक प्रेशर, जैसे अभी पीछे पढ़ा था ऑस्टर एंड वॉकर मेथड फॉर मेजरिंग RLVP, यहाँ पे बर्किले एंड हार्टेज मेथड फॉर मेजरिंग दिस ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अब जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो क्या होगा, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो क्या होगा, और ब्लड रेड सॉल्यूशन कहाँ पे बनेगी, ए साइड की बी साइड? सर किसी भी साइड नहीं बनेगी। और अच्छा ऋषि तूने बहुत ढंग से पढ़ा हुआ है, ब्लड रेड सॉल्यूशन किसी भी साइड क्यों नहीं बनेगी? सर क्योंकि सॉल्वेंट जा रहा है, केमिकल्स नहीं जाएंगे, मतलब FeCl3 और KSCN नहीं जाएंगे, तो इसलिए इसका तो मूवमेंट हो रहा नहीं है, तो सॉल्यूट है। KSCN भी क्या सॉल्यूट है, सिर्फ मूव क्या करेगा, पानी। तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी, रिएक्शन नहीं हो पाएगी तो इससे ब्लड रेड कल्चर नहीं आएगी। ऐसी मैंने 3-4 रिएक्शन लिखी होंगी लेक्चर में, है कि नहीं वो रिएक्शन सारी? यस सर। और वो सबने पढ़ी हुई है क्वालिटेटिव के अंदर, FeCl3 प्लस K4 FeCN6 क्या बनता है, रीड करना। अच्छा बताओ ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, देखो सर मैंने तुम्हें बोला कि जो एक सॉल्यूशन है वो दूसरी तरफ मूव करेगी, जैसे मान लिया इसमें मूवमेंट है बी से ए की तरफ मूवमेंट होगा, ठीक है ना, बी से ए की तरफ मूवमेंट होगा, ये ऑस्मोसिस हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस। बी से ए की तरफ जो मूवमेंट हो रहा है इस कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। तो हम इस सॉल्यूशन के ऊपर प्रेशर लगाएंगे, ध्यान देंगे, इस सॉल्यूशन के ऊपर प्रेशर लगाएंगे ताकि ये मूवमेंट ना हो, ताकि ये जो सॉल्वेंट यहाँ मूव कर रहे हैं ये मूव ना करे, और इस प्रेशर को मेजर कर लेंगे किससे, प्रेशर गॉज से। तो हम प्रेशर किसके ऊपर लगाते हैं, हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ कि लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ प्रेशर अप्लाई करते हैं, हायर पे। ये ध्यान रखना, ये बोलेगा ऑन व्हिच सॉल्यूशन प्रेशर इज टू बी अप्लाइड टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस, तो बोलेंगे हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और जो हम प्रेशर अप्लाई करेंगे उसको प्रेशर गॉज से मेजर कर लेंगे। यही मेथड अप्लाई किया था बर्किले और हार्टले ने टू मेजर ऑस्मोटिक प्रेशर, और जो प्रेशर मेजर होगा वो डायरेक्टली क्वेश्चन में किसके होता है, सी के। डायरेक्टली क्वेश्चन किसके होता है, सी के, सी के। तो पी इज टू सी आर टी है, पी डायरेक्टली क्वेश्चन टू सी होता है, पी डायरेक्टली टू टी होता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो भी ऑस्मोसिस बढ़ता है,
तो पी जो टू क्या आ जाएगा सी आर पी, ये फॉर्मला आ जाएगा। तो आई लगाना ही है, मैंने तुम्हें बोला था आई की जरूरत भी पड़ेगी। पी जो टू आ जाएगा सी आर टी। तो अभी मैंने तुम्हें बताया कि ये सोल्यूशन इधर मुख कर रही है, हल्का सा ये सोल्यूशन इधर भी मुख करेगी। अगर न्यूमेरिकल आता है तो फॉर्मुला लगेगा पी जो टू सी वन माइनस सी टू आर, लेकिन सी टू इतना कम होगा कि हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, इसलिए सी आर टी लिखा होगा। अभी कितना आएगा 0.1 माइनस 0.01 डिफरेंस क्यों लिया, दोनों को समझ आ गया? किसी बच्चे को समझ आया डिफरेंस क्यों लिया है? ये सॉल्यूशन इधर मूव कर रही है, ध्यान देना तो चेंज को नोट किया होगा, चेंज को चेंज ही नोट करेंगे ना, ये इधर मूव कर रही है yes. और हल्का सा मूवमेंट क्या होगा, यहाँ पे भी होगा उल्टे साइड कुछ, तो ये भी पुश करेगी ना, ये भी धक्का देगी, तो इसलिए C1 माइनस C2 है। C2 जो है नेगलिजिबल होता है, C2 की वैल्यू कम होती है, इसलिए CRT भी। अभी तुम्हें पूरा रखना, यहाँ तक डाउट किसी को? नो सर, देखो पढ़ा हुआ है ना, देखो मेरे को लिखाना नहीं पड़ रहा, इससे क्या हो रहा है टाइम सेव हो रहा है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अब देखो सर, SPM मैंने तुम्हें बता दिया दो तरीके का है, SPM दो तरीके का, एक नेचुरल एक आर्टिफिशियल, नेचुरल SPM और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल तो क्या हो गया, प्लांट्स और एनिमल्स की आउटर स्किन, नेचुरल क्या होगा, प्लांट्स और एनिमल्स की आउटर स्किन। पिग्स ब्लड, ये कौन सा वाला है? नेचुरल, नेचुरल। आर्टिफिशियल के अंदर मोस्ट कॉमनली CO2 efficient 6 copper ferrocyanide, ये मोस्ट कॉमनली यूज होता है, लेकिन नॉन एक्वस सॉल्यूशन में इसको यूज नहीं करते, क्योंकि ऐसी सॉल्यूशन नॉन एक्वस सॉल्यूशन में इसको यूज नहीं करते, क्योंकि ऐसी सॉल्यूशन में ये डिसॉल्व कर जाता है, सॉल्युबल हो जाता है, इसलिए गल जाएगा, समझ गए? SPM का मेजर रोल होता है ऑस्मोसिस में, तो सबको पता है रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम सबके घरों में लगा होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम उल्टा, यानी अगर मैं प्रेशर ज्यादा अप्लाई कर दूं, देखेंगे एक बार, अगर मैंने सॉल्यूशन वाली साइड प्रेशर ज्यादा अप्लाई कर दिया उल्टा चला जाएगा, उल्टा चला जाएगा, मतलब हायर टू लोअर चला जाएगा और सॉल्यूट रह जाएगा हायर के अंदर और भी कंसंट्रेट हो जाएगा, और लोअर के अंदर हमें डिसैलिनेटेड वाटर मिल जाएगा। बहुत अच्छे ऋषि, अगर मैंने इधर ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया, जाने के अगर हमने इस पॉइंट पे ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया, ऑस्मोटिक किससे ज्यादा, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया, तो सॉल्वेंट यहाँ से निकल के यहाँ चला जाएगा, यहाँ से यहाँ निकल जाएगा और फिर यहाँ पे हम इकट्ठा कर लेंगे, मतलब पानी को इकट्ठा कर लेंगे, साफ पानी मिल जाएगा, क्योंकि सॉल्यूट रह जाएगा अंदर, समझ गए कि नहीं? इफ प्रेशर, ये कंडीशन है रिवर्स ऑस्मोसिस की, रिवर्स ऑस्मोसिस की कंडीशन क्या है, बोर्ड में बहुत बार पूछा हुआ है, कंडीशन ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस, इफ प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड देन सॉल्वेंट फ्रॉम द सॉल्यूशन मूव्स टुवर्ड्स द सॉल्वेंट, दिस इज द कंडीशन फॉर रिवर्स। सॉल्यूट तो बी के भी रह, बी के नहीं जाएंगे उस पानी में, सॉल्यूट तो वही है ना, सॉल्यूट थोड़ी पानी निकलेंगे, नहीं सर, और रिवर्स ऑस्मोटिक सिस्टम में तो बी का टैंक ही खाली रहता है। हाँ, वो तो बना पड़ा था ना, इसलिए मैंने दिखाया नहीं होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस में ये होगा, प्रेशर हम अप्लाई करेंगे तो सॉल्वेंट बाहर निकलता जाएगा, साफ साफ सॉल्यूट अंदर रह जाएगा। अच्छा ठीक है, टैंक खाली रखते हैं या फिर यहाँ पे पानी रखते हैं, सॉल्वेंट प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाइड तो उल्टे डायरेक्शन में फ्लो होगा, दिस इज कॉल्ड एज रिवर्स ऑस्मोसिस, और यही यूज होता है डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, यानी सॉल्ट वाटर से पानी को निकालने में यही यूज होता है, सॉल्ट वाटर से पानी को निकालने के लिए इसी को यूज करते हैं, समझ गए कि नहीं? ये सर बी वाला खाली जरूरी थोड़ी है, मैंने कहा कि बी वाले को तुम खाली रखना है, खाली रखने से प्रोसेस फास्ट नहीं होगा, क्योंकि फ्लो करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पे पानी रखते हैं, ये यहाँ पे रिवर्स ऑस्मोसिस, समझ आ गया कि नहीं? अगर प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर लगाएंगे तो उल्टी डायरेक्शन में फ्लो होगा, ये समझ आ गया रिवर्स ऑस्मोसिस? तो पूछते हैं व्हाट इज द कंडीशन ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस,
और इसकी एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन समझ आ गई कि नहीं? इसकी एप्लीकेशन क्या है? डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड, प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड, समझ गए कि नहीं है? यस सर। और अगर टेम्परेचर सॉल्यूशन वाली साइड का हम बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर सॉल्यूशन वाली साइड का बढ़ा देते हैं अगर, तो ये ऑस्मोसिस को प्रिवेंट कर सकता है और ये रिवर्स ऑस्मोसिस कर सकता है। इंपॉर्टेंट लाइन है ये, क्या बोला, समझ गए कि नहीं है? अगर हमने प्रेशर टेम्परेचर अगर हमने टेम्परेचर सॉल्यूशन वाली साइड का यानी ए साइड का अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये ऑस्मोसिस को या तो रोक देगा या फिर रिवर्स ऑस्मोसिस भी कर सकता, समझ गए कि नहीं है? फिर ऐसे कैसे? यस सर, समझ गए, एक्सपैंड हो जाएगा लिक्विड तो सेट चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सॉल्वेंट भागने की कोशिश करेगा ना फिर तो साइड से, इसीलिए रिवर्स ऑस्मोसिस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर टेम्परेचर मैंने सॉल्यूशन वाले साइड का बढ़ा दिया। अच्छा, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफरेंस अगर आता है बोर्ड लेवल पे तो कर लोगे कि नहीं? यस सर, आपने 5 पॉइंट लिखा दिया। हाँ, वो 5 पॉइंट है, जरूर पढ़ने ढंग से, कि जैसे डिफ्यूजन होता है रैंडम मिक्सिंग सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल, लेकिन उसमें सिर्फ ऑस्मोसिस में सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल फ्लो करेंगे टुवर्ड्स सॉल्यूशन, और डिफ्यूजन में कोई भी एसपीएम यूज नहीं करते, लेकिन ऑस्मोसिस में हम एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज करते हैं। तो डिफ्यूजन जो है गैसेज में हुआ और सॉल्यूशन में भी होता है, लेकिन ऑस्मोसिस सिर्फ सॉल्यूशन में होगा। डिफ्यूजन में कंसंट्रेशन हाई से लो होता है, उसमें ऑस्मोसिस में कंसंट्रेशन लो से हाई होता है, और डिफ्यूजन हमारा इरिवर्सिबल है, डिफ्यूजन इरिवर्सिबल है। कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन एक बार फेड कर गई तो उसको डार्क करना रिवर्ट बैक नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारा ऑस्मोसिस है इरिवर्सिबल था कि नहीं? नहीं सर, ऑस्मोसिस रिवर्सिबल नहीं था, इरिवर्सिबल। ऑस्मोसिस रिवर्सिबल है, रिवर्ट बैक कर सकते हैं कि नहीं? प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड, ऑस्मोसिस इज रिवर्सिबल, डिफ्यूजन इज इरिवर्सिबल। ये लाइन पता लग गई कि नहीं? बोलो। यस सर। डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन क्या चीज है? इरिवर्सिबल। ऑस्मोसिस क्या? रिवर्सिबल। ध्यान देंगे नेक्स्ट। देखो, कॉमन क्वेश्चन है, पेपर में पूछे जाते हैं, जैसे एग विदाउट आउटर शेल, इसको एक बार रखा मैंने पानी के अंदर, एक बार रखा इसको, NaCl के अंदर ब्राइन सॉल्यूशन, एक बार नॉर्मल वाटर में, तो दोनों केस में क्या होगा? देखो यहाँ पे पानी जो है इसका कंसंट्रेशन लो है, पानी का कंसंट्रेशन क्या है? लो। और जो इसके अंदर फ्लूड है उसका कंसंट्रेशन क्या है? हाई अंदर, इसलिए पानी अंदर फ्लो कर जाएगा और क्या बोलेंगे, क्या हो जाएगा? एंड, क्योंकि जो आउटर लेयर होती है एज इट इज वो एसपीएम से बनी होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। पहले एग विदाउट आउटर शेल, एग का हम आउटर शेल जो कि सीएसई होती होता है उसको एसिड में डाल के खत्म कर देंगे, उसके बाद जो अब लेयर आएगी ऊपर वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की होगी। अब उसको जब मैं पानी में डालूंगा तो पानी अंदर फ्लो कर जाएगा, पानी अंदर फ्लो कर जाएगा, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन है इसका कंसंट्रेशन लो है, कंसंट्रेशन लो मतलब इसको मानेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपो मींस लो, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में किसी भी चीज को डालेंगे जो एसपीएम से बनी है तो उसमें हमेशा क्या होगा? एंडो ऑस्मोसिस, एंडो ऑस्मोसिस। और एंडो ऑस्मोसिस कभी भी होगा तो क्या करेगा? स्वेल की श्रिंक, स्वेल, स्वेल कर देगा। किसी भी बच्चों को कोई डाउट? No, ये लाइन लिख रहा हूँ, ये तीनों टर्म्स एक साथ यूज होंगी हमेशा। अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, बायो में, बिल्कुल हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है
तो एंडोस्मोसिस होता है, और एंडोस्मोसिस हो रहा है तो स्वेलिंग या बर्स्टिंग होती है या रक्चरिंग होता है, स्वेलिंग और बर्स्टिंग और रक्चरिंग। और अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, जैसे अगला केस मैंने कौन सा लिया है, NaCl, एक्सोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस, हाँ मान लो ये 0.1 मोलर NaCl, तो ये हाइपरटोनिक, ऐसी सॉल्यूशन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, यानी ऐसी सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन लो है किसी और सॉल्यूशन से तो वो हाइपोटोनिक, और कोई ऐसी सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन हाई है देन एनी अदर सॉल्यूशन देन इट इज कॉल्ड एज हाइपरटोनिक, तो बोलेंगे उसको हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक क्या है, जिसका कंसंट्रेशन लो है, हाइपरटोनिक क्या है, जिसका कंसंट्रेशन हाई है किसी और सॉल्यूशन। अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है तो हमेशा क्या होगा, एक्सोस्मोसिस, और क्या होगा, श्रिंक करेगा, तो श्रिंक करेगा, समझ गए कि नहीं? यस सर, श्रिंक कर रहा है, इस टर्म को बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस, और स्वेल कर रहा है उसको बोलते हैं हीमोलिसिस, सुना हुआ कि नहीं है? यस सर, श्रिंकेज ऑफ सेल वॉल ऑफ द प्लांट, श्रिंकेज ऑफ सेल वॉल ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलिसिस, हाँ, और बर्स्टिंग और स्वेलिंग ऑफ द सेल वॉल ऑफ द प्लांट हीमोलिसिस, हाँ, श्रिंकेज सेल वॉल ऑफ प्लांट्स का इसमें होगा हाइपोटोनिक में, हाइपरटोनिक में, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक में श्रिंकेज, क्योंकि प्लांट्स के अंदर जो भी फ्लूइड है वो बाहर निकल जाएगा और श्रिंकेज हो जाएगा, और क्या कहते हैं बर्स्टिंग और रप्चरिंग ऑफ सेल वॉल ऑफ द प्लांट वो किसमें होगा, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक में सॉल्वेंट अंदर फ्लो कर जाएगा सेल के अंदर और क्या हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, समझे कि नहीं है? यस सर, समझे कि नहीं? यस सर, तो ये बेस्ट एग्जांपल था सारी टर्म्स को एक्सप्लेन करने के लिए, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होती है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होती है, एंडोस्मोसिस क्या है, इनफ्लो ऑफ सॉल्वेंट, एक्सो तो नाम ठीक लग रहा है, एक्सो का मतलब क्या है, एग्जिट करना, बाहर जाना, आउटफ्लो ऑफ सॉल्वेंट, आउटफ्लो ऑफ सॉल्वेंट वो कब होगा, जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा, इनफ्लो ऑफ सॉल्वेंट कब होगा, जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, स्वेलिंग और रप्चरिंग ऑफ सेल वॉल ऑफ द प्लांट्स इसमें होगा हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक में श्रिंकेज होगा जिसको हम क्या बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस, तो ये टर्म्स हमेशा एक साथ यूज होगी, पर ऐसी नीचे वाली टर्म्स एक साथ यूज होगी, कोई डाउट? नो सर, चलो यहाँ पे मैंने प्लाज्मोलिसिस भी बता दिया, श्रिंकेज ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट्स, श्रिंकेज ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट्स इन हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन दैट इज हाइपोटोनिक, और स्वेलिंग और रप्चरिंग और बर्स्टिंग ऑफ द प्लांट्स ऑफ द सेल वॉल ऑफ द प्लांट्स इज कॉल्ड एज हीमोलिसिस, और वो कब होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, वो कब होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तो ये तुम बता दिया सर यहां पे। फिर आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होती है, सेम कंसंट्रेशन, सेम कंसंट्रेशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, टू और मोर सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, टू और मोर सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, P1 इज टू P2 होगा, C1RT इसलिए ऐसी सॉल्यूशन को आइसोस्मोटिक तो कह ही सकते हैं, आइसो कंसेंट्रिक भी कह सकते हैं अगर टेम्परेचर सेम है, आइसो ऑस्मोटिक या आइसो कंसेंट्रिक, आइसो ऑस्मोटिक या फिर आइसो कंसेंट्रिक, समझ गया कि नहीं है? यस सर, आइसो ऑस्मोटिक या आइसो कंसेंट्रिक, ऐसे और भी क्वेश्चन में पड़े होंगे कि जैसे किशमिश वगैरह है उसको पानी में डालेंगे तो ग्रेप्स वगैरह को अगर ब्राइन सॉल्यूशन में डालेंगे तो स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, पता है ना? यस सर, ये सारा 10th के बारे में हो गया, कर लिया ना, रेजिन्स व्हेन कैप्ट इन वाटर स्वेल बट ग्रेप्स इन ब्राइन सॉल्यूशन श्रिंक, क्योंकि वो रेजिन्स है इसमें पानी अंदर फ्लो कर जाएगा एसपीएम के थ्रू और ये स्वेल कर जाएंगे, यानी एंडोस्मोसिस होगा, सॉल्यूशन हाइपोटोनिक होगी, पानी क्या है, हाइपोटोनिक, और ग्रेप्स को ब्राइन सॉल्यूशन रखा तो वो हाइपरटोनिक है, तो इसमें ग्रेप्स के अंदर फ्रूट जो बाहर निकल जाएगा इसे क्या कर जाएंगे, श्रिंक कर जाएंगे, समझ गया कि नहीं है? यस सर, यस, हाँ। फिर क्वेश्चन आता है कि मैंगोज से अगर मैंगो पिकल्स बनाने हैं तुम्हें तो पहले इसको ब्राइन सॉल्यूशन में रखते हैं, मैंगो पिकल्स बनाने हैं तो उसको ब्राइन सॉल्यूशन रखते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन में रखने से क्या होगा, ब्राइन सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है, उसकी लाइफ बढ़ जाएगी, श्रिंक हो जाएगा, जो भी तुम्हारा मॉइस्चर है, जो भी फ्लूइड है मैंगोज के अंदर वो अपना लूज कर देगा और ये श्रिंक कर जाएगा, क्या हुआ, एक्सोस्मोसिस, एंडोस्मोसिस, सिर्फ
रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं है, क्योंकि पुश नहीं किया उसे। हाँ बिल्कुल, मैंगोज एंड कैप्टन ब्राइन सॉल्यूशन स्ट्रेंथ, mangoes and captain brine solution, mangoes they are captain brine solution before making pickles so that they shrink, and this is due to exoosmosis, not due to reverse osmosis, not due to reverse osmosis. So here the bursting of plants in marshy areas, again kis wajah se hoga bursting osmosis. Of plants in marshy areas, endosmosis due to endosmosis. Here why doctor advises goggles during sore throat, स्वेलिंग कम हो जाती है, गार्गल सैलाइन वाटर से करेंगे तो गार्गल करेंगे तो एक्सोस्मोसिस, सॉरी हाँ एक्सोस्मोसिस हो जाएगा तो गले का जो फूलना है वो कम हो जाएगा, स्वेलिंग जो आ रही है वो क्या हो जाएगी, एडिमा बोलते हैं ना, एडिमा जिसको excess intake of salt, क्या होता है edema, क्या होता है swelling of tissue due to excess intake of salt, and it is due to retention of water in the tissues. तो इसलिए जब edema वगैरह, यानी in edema मतलब inflammation, पूछ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, edema term क्या है, छोटी छोटी term है, turgor क्या होता है, turgor बताई हुई terms की मैंने, ये yes sir, edema क्या है, swelling of tissue due to excess intake of salt, और टर्जर क्या है, pressure developed inside the cell due to inflow of water, pressure developed inside the cell due to inflow of water, समझ गए तुम कि नहीं है, yes sir, हाँ sir, जब हम गार्गल करेंगे नमक वाले पानी के साथ यानी hypertonic solution के साथ तो क्या होगा, exoosmosis के through ये अपने salt को बाहर निकाल देता है, तो जो excess fluid है वो बाहर निकल जाएगा तो swelling कम हो जाएगी, जब ये प्रोसेस तब तक होगा जब तक कंसंट्रेशन दोनों सॉल्यूशन का बराबर नहीं होगा, इसलिए बोलते हैं डॉक्टर एडवाइज करते हैं कि कंटिन्यूअसली 3-4 बार गागल करना अगर ऐसे स्वेलिंग आ रही है, या इसमें होता क्या है, एक मिनट में बोले तो एक्सोस्मोसिस क्या ना, ड्यू टू एक्सोस्मोसिस, ड्यू टू एक्सोस्मोसिस, अच्छा फिर अब ये ध्यान है कि 0.91% सॉल्यूशन NaCl की वो आइसोटोनिक होती है आरबीसी के साथ, 0.91% solution of NaCl is isotonic with RBCs. इसलिए कभी भी intravenous injections जब देते हैं तो saline water देते हैं। हाँ, saline water के थ्रू देंगे और concentration को जरूर ध्यान में रखते हैं कि जो concentration हमारा RBCs का है वही concentration होना चाहिए जो हम fluid inject कर रहे हैं। वो कितना होना चाहिए? सर ये वही है जो hospital में डालते हैं नस के अंदर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इंट्रावीनस मींस में जो इंजेक्शन देते हैं उसमें हम ध्यान रखते हैं इस चीज का कि कंसंट्रेशन जो है वो आइसोटोनिक होना चाहिए, तो इसलिए मैं बोला ये लाइन याद रखना है, 0.91% सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज आइसोटोनिक विद RBCs, अगर मान लो RBCs को हमने 1%, ये क्वेश्चन है बोर्ड के, 1% सॉल्यूशन में रखा NaCl में तो क्या होगा, श्रिंक हो जाएंगे, 1% में क्या कर जाएगा, श्रिंक, हाइपरटोनिक है तो श्रिंक कर जाएंगे, श्रिंक कर जाएंगे, और 0.1% में रखा तो स्वेल हो जाएंगे, तो स्वेल हो जाएंगे, या हाइपरटोनिक है स्वेल हो जाएंगे, और 0.91% में रखा तो सेम रहेंगे, आइसोटोनिक स्प्लिट हो जाएगा, तब आइसो, हां तो ये आइसो कंसंट्रेटेड है तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये समझ आ गया क्वेश्चन के नहीं, यस सर, 0.91% सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज आइसोटोनिक विद RBCs, तो ये इसी तरह था, प्रॉपर केयर क्वेश्चन आया है बोर्ड में, प्रॉपर केयर इज टेकन व्हाइल गिविंग इंट्रावीनस इंजेक्शंस टू पेशेंट्स, हम क्या चाहेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड शुड बी आइसोटोनिक विद द कंसंट्रेशन ऑफ सैलाइन वाटर टू बी इंजेक्टेड, कंसंट्रेशन ऑफ सैलाइन वाटर टू बी इंजेक्टेड इन केस ऑफ 0.91% सॉल्यूशन ऑफ NaCl, इट नाइदर श्रिंक्स नॉर बर्स्ट, कोई डाउट, नो सर, ये मैंने जल्दी जल्दी पढ़ाया है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, सबने सबके पास मैंने नोट्स भेजे हुए पहले से, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, नो सर, नहीं सर, तो सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, आइसोपीस्टिक सॉल्यूशन क्या होती है, आइसोपीस्टिक सेम वेपर प्रेशर, सेम वेपर प्रेशर, सेम वेपर प्रेशर, है ना, तो टर्म सारी पता होना चाहिए, आइसोपिगनिक सॉल्यूशन क्या होती है, आइसोपिगनिक सेम डेंसिटी,
आइसोपिगमिक यानी सेम डेंसिटी, आइसोपिगमिक सॉल्यूशन एनआईसी आएगा, पीआईजी एनआईसी पिगमिक सॉल्यूशन, टू और मोर सॉल्यूशंस हैविंग सेम डेंसिटी, और आइसोपिस्टिक टू और मोर सॉल्यूशंस हैविंग सेम वेपर प्रेशर, कम यूज होगा बस बता दिया मैंने, एक बार नीट वगैरह पेपर में शायद टर्म पूछी हुई है आइसोपिगमिक वाला, इसलिए बता दिया, अदरवाइज यूज बहुत कम होगा, समझ गया कि नहीं है? हाँ सर, यस यस सर। चलो एक क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन है ये ट्राई करेंगे, एक बार मैंने यहाँ एक जगह लिया 10 ग्राम सॉल्यूशन, 10 ग्राम सॉल्यूशन शुगर लिया है, 10 ग्राम शुगर लिया है, पेपर था ना कुछ नहीं, 100 ग्राम पानी के अंदर, और यहाँ पे 20 ग्राम शुगर लिया है, शुगर यानी सुक्रोज, 100 ग्राम पानी, तो पानी कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा और कितना फ्लो करेगा बताना है, पानी कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा और कितना फ्लो करेगा, एसपीएम से सेपरेटेड है ना, एसपीएम से 10 ग्राम से 20 ग्राम से फ्लो करेगा, इधर से फ्लो करेगा, यहाँ पे कंसंट्रेशन लेस है, और कब तक फ्लो करेगा, जब तक C1 इज़ इक्वल टू C2 ना हो जाए, सेम टेंपरेचर है, जब तक C1 इज़ इक्वल टू C2 ना हो जाए, यानी 10/342 100 में से x गया, डेंसिटी सॉल्यूशन की डी मान लो, दोनों साइड डेंसिटी भी सेम हो जाएगी, 20/342 100 + x / d,